सो हाय गाइस, दिस कैन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 45,000 रुपीज से 50,000 रुपीज के बीच में आने वाले एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में। और ये वाला पीसी बिल्ड आपको 1080p हाई सेटिंग पे अच्छे खासे FPS के साथ गेमिंग कराने के कैपेबल होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी वाले पीसी बिल्ड के बारे में बात करेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने पीसी बिल्ड की शुरुआत करते हैं पीसी के सबसे मेन कंपोनेंट से, जो है सीपीयू। तो इस बार हम इंटेल बेस्ड पीसी बिल्ड बना रहे हैं, इसीलिए जो सीपीयू हमने चूज किया है वो है इंटेल कोर i3-10100F। अब ये इंटेल के 10th जनरेशन का कोर i3 प्रोसेसर है, जो आता है इंटेल के 40 नैनोमीटर वाले कॉमेट लेक आर्किटेक्चर पे बेस्ड। और कोर i3-10100F आपका F सीरीज का प्रोसेसर है, इसका मतलब ये वाला प्रोसेसर आपका अनलॉक प्रोसेसर है और इसमें आपको कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वाले सीपीयू के साथ पीसी बिल्ड बना रहे हैं तो आपको एक डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा और ये वाले सीपीयू को आप ओवरक्लॉक भी नहीं कर सकते हो। और इस वाले प्रोसेसर में आपको 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं और ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है LGA 1200 वाले सॉकेट को। और अगर मैं इस वाले प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड्स की बात करूं तो इस वाले प्रोसेसर में आपको 3.6 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। और अगर मैं इसकी टर्बो क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इसमें आपको 4.3 गीगाहर्ट्ज की टर्बो क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। और साथ ही में इस वाले प्रोसेसर में आपको 6 MB की कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है और ये प्रोसेसर आता है 65W की TDP के साथ। और अगर मैं इंटेल कोर i3-10100F की प्राइस की बात करूं तो ये वाला प्रोसेसर आपको आराम से 8,000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में इस वाले प्रोसेसर के साथ आपको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सीपीयू कूलर देखने को मिलता है, जो है इंटेल का स्टॉक कूलर। और आपको अपने पीसी में क्या चाहिए, ओवरऑल इंटेल कोर i3-10100F आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और जो ये प्रोसेसर आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो या फिर गेमिंग, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इस वाले प्रोसेसर में देखने को मिल जाती है इसके प्राइस के हिसाब से। और आप इंटेल के स्टॉक कूलर को तो जानते ही हो, सीपीयू को बहुत ज़्यादा ही ठंडा कर देता है इंटेल का स्टॉक कूलर। फुल लोड में भी आपका सीपीयू -100 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जबकि आपका सीपीयू बिल्कुल चूरा चूरा होने लग जाता है। इसीलिए आपके सीपीयू में गर्मी बरकरार रखने के लिए हम इसमें एक आफ्टर मार्केट कूलर यूज़ कर रहे हैं। तो जो कूलर हम इस वाले बिल्ड में यूज़ कर रहे हैं अपने सीपीयू के लिए, वो है एंटी स्पोर्ट की ओर से उनका IC612। ये वाला कूलर आपके इंटेल एंड AMD दोनों के सारे सॉकेट्स को सपोर्ट करता है। और साथ ही में इस वाले कूलर में आपको 120mm का मल्टी कलर LED फैन देखने को मिल जाता है। और साथ ही में इस वाले कूलर में आपको 4 कॉपर हीट पाइप्स देखने को मिल जाते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी का एल्यूमिनियम देखने को मिल जाता है इस वाले कूलर में। और अगर मैं इस वाले एंटी स्पोर्ट के आइस C612 एयर कूलर की प्राइस की बात करूं तो ये वाला कूलर आपको आराम से 1400 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगा। और मजाक साइड में 1400 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से ये वाला कूलर आपको इंटेल के स्टॉक कूलर से काफ़ी भयंकर कूलर देखने को मिल जाता है। इसीलिए हम अपने सीपीयू के लिए स्टॉक कूलर की जगह इस वाले कूलर को यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा सीपीयू और उसका कूलर। अब बात करते हैं अपने मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड के लिए हमने चूज़ किया एक H410 चिपसेट वाला मदरबोर्ड, जो है गीगाबाइट की ओर से उनका H410MH अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड। अब ये वाला मदरबोर्ड आपका गीगाबाइट की ओर से बेसिक सा H410 चिपसेट वाला मदरबोर्ड है। सारे बेसिक फीचर्स आपको इस वाले मदरबोर्ड में देखने को मिल जाते हैं। दो आपको डिम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं इस वाले मदरबोर्ड में, जो आपकी DDR4 मेमोरी को सपोर्ट करते हैं। और साथ ही में इस वाले मदरबोर्ड में आपको PCIe Gen 3 X2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, M.2 स्लॉट देखने को मिल जाता है। और इस वाले मदरबोर्ड के साथ आपको कुछ गीगाबाइट के एक्सक्लूसिव फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो गीगाबाइट का H410MH अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड आपको 6,000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगा। और 6,000 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से ये वाला मदरबोर्ड हमारे i3-10100F के लिए काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड रहेगा। तो अब चलते हैं अपनी रैम की ओर। तो रैम के लिए हमने चूज़ की है सबकी प्यारी Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 MHz वाली 8GB की 2 स्टिक, मतलब कि टोटल में 16GB। और अगर मैं इस वाली रैम किट की प्राइस की बात करूँ तो ये वाली रैम किट आपको अभी आराम से 6,000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी। और 16GB इसलिए क्योंकि कुछ भी कर लो आजकल 8GB कमी पड़ जाती है। और खासकर अगर आप i3 या फिर Ryzen 3 जैसे CPUs के साथ भी PC बिल्ड बना रहे हो तो आपको 16GB की रैम के साथ जाना ही चाहिए, क्योंकि 8GB की रैम आपके CPU का अच्छे से साथ नहीं निभा पाती है, फिर आपको अपने PC की परफॉर्मेंस जैसी मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप Pentium या फिर Athlon जैसे CPUs के साथ PC बिल्ड कर रहे हो तो उसमें आपकी 8GB सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप उनसे बड़े CPUs जैसे Ryzen 3 या फिर i3 वाले CPUs के साथ PC बिल्ड कर रहे हो तो आपको 16GB रैम लगानी ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही साथ 16GB की रैम लगा लो। अगर आपका बजट इतना नहीं है कि आप एक साथ 16GB की रैम खरीद सको तो अभी आप 8GB की रैम लगा लो, फ्यूचर में आप एक और 8GB की रैम लगा लेना, लेकिन 16GB की रैम लगाना ही लगाना। तो ये हो गई हमारी रैम। अब बात करते हैं अपने गेमिंग पीसी के हार्ट के बारे में, जो है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड के लिए हमने चूज़ किया है NVIDIA का सबसे बेस्ट बजट ग्राफिक कार्ड, जो है NVIDIA की ओर से उनका GeForce GTX 1650 Super। अब अगर मैं इस वाले ग्राफिक कार्ड के कुछ स्पेक्स की बात करूं तो इस वाले ग्राफिक कार्ड में आपको 1280 CUDA कोर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं इस वाले ग्राफिक कार्ड की क्लॉक स्पीड्स की बात करूं तो इस वाले ग्राफिक कार्ड में आपको 1530 MHz की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। और अगर मैं इसकी बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इस वाले ग्राफिक कार्ड में आपको 1725 MHz की बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है।
और साथ ही में ये वाला ग्राफिक कार्ड आता है 128 बिट के मेमोरी बस के साथ। और अगर मैं इस वाले ग्राफिक कार्ड में दिए गए वीरैम मेमोरी की बात करूँ तो इस वाले ग्राफिक कार्ड में आपको 4GB की GDDR6 वाली वीरैम मेमोरी देखने को मिल जाती है। और साथ ही में इस वाले ग्राफिक कार्ड में आपको DirectX 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वल्कन API का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इस वाले ग्राफिक कार्ड में आपको OpenGL 4.6 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और भी काफी सारे फीचर्स आपको इस वाले ग्राफिक कार्ड में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं इस वाले ग्राफिक कार्ड की प्राइस की बात करूँ तो NVIDIA के GTX 1650 सुपर की प्राइस आजकल हिले हुए हैं। पहले ये वाला ग्राफिक कार्ड आपको 13-14,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाता था, लेकिन आजकल ये वाला ग्राफिक कार्ड आपको 15-20,000 रुपीज़ का देखने को मिलता है। Inno3D, Galaxy, Zotac जैसे ब्रांड्स के ग्राफिक कार्ड आपको थोड़े से सस्ते देखने को मिलते हैं। इनके GTX 1650 सुपर आपको 15-16,000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और GTX 1650 सुपर आप Amazon से बाय मत करना, वहाँ पर तो इसके प्राइस अलग ही चल रहे हैं। अगर आपको बाय करना है तो आप अपने लोकल मार्केट से बाय कर सकते हो और या फिर किसी PC कंपोनेंट वाली वेबसाइट से बाय कर सकते हो, वहाँ पर आपको GTX 1650 सुपर के प्राइस थोड़े से अच्छे देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू Amazon। कुल मिला के बात यह है कि जो GTX 1650 सुपर आपको सस्ता मिलता है चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो आप जाके ले सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफिक कार्ड, अब बात करते हैं अपने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपनी SSD से। तो SSD के लिए हमने चूज़ की है 240GB की SATA SSD जो है Crucial की BX500 240GB की 2.5 इंच वाली SATA SSD। अब अगर मैं Crucial BX500 240GB की SATA SSD की प्राइस की बात करूँ तो ये वाली SSD आपको 2500 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि आप Crucial की 240GB की SSD बाय करो, आप किसी भी ब्रांड की 240GB की SATA SSD बाय कर सकते हो जिसमें हम अपनी विंडोज सारे ड्राइवर्स और एक दो गेम्स और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। और अगर मैं मास स्टोरेज की बात करूँ तो मास स्टोरेज के लिए हमने चूज़ की है Seagate Barracuda 1TB की 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क। और अगर मैं इस वाली हार्ड डिस्क की प्राइस की बात करूँ तो ये वाली हार्ड डिस्क आपको 3300 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि आप भी Seagate की हार्ड डिस्क बाय करो, आप WD के साथ भी जा सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे PC के स्टोरेज डिवाइसेस। अब बात करते हैं अपने PSU के बारे में, मतलब कि पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के लिए हमने चूज़ की है 450 वाट वाली पावर सप्लाई जो है Antec की VP450+80+ वाइट सर्टिफाइड पावर सप्लाई। अब अगर मैं इस वाली पावर सप्लाई की प्राइस की बात करूं तो ये वाली पावर सप्लाई आपको 2600 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप भी Antec की 450 वाट की 80+ वाइट सर्टिफाइड पावर सप्लाई के साथ जाओ, आप किसी भी ब्रांड की 80+ वाइट सर्टिफाइड या फिर 80+ ब्राउन सर्टिफाइड पावर सप्लाई के साथ जा सकते हो। और अगर आप अपना बजट और एक्सटेंड कर सकते हो तो आप एक 550 वॉट की 80+ ब्राउन सर्टिफाइड पावर सप्लाई के साथ भी जा सकते हो अपने PC को और ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए। लेकिन 450 वॉट की भी 80+ ब्राउन सर्टिफाइड या फिर 80+ वाइट सर्टिफाइड पावर सप्लाई इस वाले PC बिल्ड के लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। तो ये तो गई हमारी PC। अब बात करते हैं अपने PC के फेस के बारे में, मतलब कि हमारे कैबिनेट के बारे में। अब मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि कैबिनेट आपकी चॉइस है, जो भी कैबिनेट आपको अच्छी लगती है आप वो बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बजट में कैबिनेट ढूंढ रहे हैं तो मुझे जो बेस्ट कैबिनेट लगती है बजट में वो है Anti-Sport की लेटेस्ट IS211TG। अब ये वाली कैबिनेट आपकी Anti-Sport की IS200TG की सक्सेसर है और IS200TG के मुकाबले इस वाली कैबिनेट में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे इस वाली कैबिनेट के फ्रंट में आपको थोड़ा सा मैश डिज़ाइन देखने को मिलता है जो आपकी कैबिनेट के लुक भी इन्हेंस करता है और उसका एयर फ्लो भी इन्हेंस करता है। और साथ ही में इस वाली कैबिनेट के फ्रंट में आपको 2 ARGB स्ट्रिप्स भी देखने को मिल जाती हैं। और साथ ही में इस वाली कैबिनेट में आपको 2 प्रिंस्टॉल 120mm के ARGB फैंस भी देखने को मिल जाते हैं, एक फ्रंट में और एक रियर में। और अगर मैं इस वाली कैबिनेट की प्राइस की बात करूँ तो ये वाली कैबिनेट आपको खाली 3000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी। और 3000 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से Anti-Sport की ये वाली कैबिनेट आपको काफ़ी भयंकर कैबिनेट देखने को मिल जाती है। और मुझे तो लगता है ये वाली कैबिनेट अब बेस्ट कैबिनेट है अंदर 3000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा 45,000 रुपीज़ से 50,000 रुपीज़ के अंदर आने वाला गेमिंग PC बिल्ड कंप्लीट। और अब अगर हम इस वाले PC बिल्ड की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस वाले PC में आपको CPU परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, क्योंकि i3-10100F की CPU परफॉर्मेंस आपको Ryzen 3 3100 से थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस वाले प्रोसेसर की गेमिंग परफॉर्मेंस आपको Ryzen 3 3100 के बराबर ही देखने को मिलती है। लेकिन कुछ कुछ गेम में तो ये वाला प्रोसेसर आपका और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू Ryzen 3 3100। तो ओवरऑल i3-10100F आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि i3-10100F और GTX 1650 सुपर का कॉम्बो आपको काफ़ी बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। ये वाला कॉम्बो लगभग सारी गेम में 1080p हाई सेटिंग पे अच्छे खासे FPS के साथ आपको गेमिंग कराने के कैपेबल है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ये वाला PC आपका काफ़ी बढ़िया गेमिंग PC बन जाता है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जोर दबाएं। और इस वाली वीडियो में जितने भी कंपोनेंट की बात की है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप Amazon से कुछ भी मांगना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय।